हाय ऑल, दिस लेक्चर इज फॉर क्लास फिफ्थ। आप सबको पता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी दिवाली कैसी गई, लगभग अच्छा ही गया होगा। सो नाउ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टर्म टू। ठीक है, तो ये आपका बुक है टर्म टू का, आप सबको पता होगा, यू मोस्ट हैव गॉट इट। ठीक है, आपके उसी पैकेट में टर्म वन और टर्म टू था। तो नाउ वी हैव ऑलरेडी फिनिश टर्म वन, अभी हम टर्म टू करेंगे। तो टर्म टू में कैसा है कि यू आर हैविंग 9 चैप्टर्स। इसका पहला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज शुरू करेंगे। आपको दो काम करना है, एक तो जो हार्ड वर्ड है उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। हार्ड वर्ड मीन्स वो द वर्ड विच यू डू नॉट नो हाउ टू स्पेल एंड द वर्ड विच यू डू नॉट नो हाउ टू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। तो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखो ये पहला चैप्टर है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स वी कैन यूज़, फॉर एग्जांपल मनी, मशीन एंड लैंड। अब ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ध्यान से देखना। मनी, मशीन एंड लैंड, ऑल द नेचुरल थिंग्स वी यूज आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, फ्यूल, इसके पहले भी हमने देखा हुआ है और स्टडी किया हुआ है। एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, फ्यूल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड, फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड हेल्प अस इन मैनी वेज। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड, आप सबको पता है फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, कि सो मैनी ट्रीज आर गैदर्ड इन वन प्लेस, इट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। एंड ग्रास लैंड हेल्प अस इन मैनी वेज, ये क्या होता है, हमको बहुत तरीके से ये लोग हेल्प करते हैं। दे गिव्स अस वूड एंड ग्रासेज टू मेक पेपर, दे गिव्स अस टिम्बर, फायरवुड एंड मशीन्स। People graze farm animals on grasslands and in forest they also called fruit, rocks, honey, bamboo and other things from them. Forest and grassland are the natural home of wild animals. They maintain the balance of gases in the air. They also protect the soil from erosion. The roots of plants hold the soil firmly and stop it from being washed away or blown away. तो देखो ये चैप्टर में यहाँ पर तुमको क्या लिखा है, मेंटेन बैलेंस ऑफ गैसेज, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट। मतलब जो फॉरेस्ट है और ग्रास लैंड वो कैसे हेल्प करता है हमको। तो सबसे पहले क्या होता है, मेंटेन बैलेंस ऑफ गैसेज। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ट्रीज है दे आर एग्जॉस्टिंग ऑक्सीजन, दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली इन द नाइट दे आर एग्जॉस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑक्सीजन, इन द डे टाइम दे आर गिविंग ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर प्लांट हम लगाते हैं और हमारे पास प्लांट है तो इट इज़ गुड फॉर अस। तो ग्रास लैंड और जो ट्रीज होते हैं वो फॉरेस्ट होते हैं, वो हमको गैसेस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल, और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो खाना उनसे मिलता है किसको, एनिमल्स को, और रहने के लिए जगह मिलता है। अदरवाइज क्या होगा, सारे टाइगर आपके सिटी में आ जाएंगे जंगल छोड़ के। फिर प्रोटेक्ट सॉइल, ये मिट्टी को बचाता है। इसके बाद क्या क्या देता है, टिम्बर, पेपर, फायरवुड, हनी, मेडिसिंस, ये सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं। जैसे टिम्बर है यानी लकड़ियाँ, तो फॉरेस्ट से आता है। पेपर है, जैसे पेपर हम लोग लिखते हैं वो पेपर पेड़ के थ्रू ही बनता है, ठीक है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। फायरवुड, लकड़ियाँ जलाने के लिए कहाँ से लाएंगे हम, आग जलाने के लिए, तो वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। हनी, जो आप हनी खाते हो, दैट इज़ वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। मेडिसिंस, बहुत सारी दवाएँ हैं जो बनती हैं फॉरेस्ट में, जो पेड़ होते हैं ना उनके पत्तियों से। चलो नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, सो इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ओशियंस, लेक्स एंड सो ऑन। सम ऑफ दीज लाइक फिश एंड द अदर एक्वेटिक एनिमल्स वी ईट आर ऑफ यूज टू अस डायरेक्टली, बट इवन दो दैट आर ऑफ नो यूज टू अस डायरेक्टली और इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द एनवायरमेंट बैलेंस। अब यहाँ पर देखो, यू हैव वाइल्ड लाइफ में देखो टाइगर का फोटोग्राफ्स है यहाँ पर, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल लगता है बिकॉज हमारे सामने नहीं है, जब सामने आ जाएगा तो इट्स नॉट ब्यूटीफुल।
इट बिकम डेंजरस फॉर अस. ठीक है, यू हैव लर्न दैट. हमारे में से बहुत सारे लोग अभी दिवाली वेकेशन में गए होंगे जूनागढ़. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ हैव सीन टाइगर अर्लियर ऑल्सो. लिंक टूगेदर वेन इवन वन ऑर्गेनिज्म वेनिस्ड फ्रॉम एन एरिया द सर्वाइवल ऑफ मेनी अदर्स ऑर्गेनिज्म गेट इफेक्टेड. दिस अपसेट्स द इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड सीन्स वी टू आर कनेक्टेड टू एवरी थिंग इन द इन्वायरमेंट इट इफेक्ट्स अस. फ्रॉम एग्जाम्पल से वी किल द टाइगर्स इन ए फॉरेस्ट. ठीक है, द डेयर इन दिस फॉरेस्ट मे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट. अगर आप शेर को मार दोगे तो क्या होगा, जो भी हिरन है वो उसका पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, क्योंकि शेर क्या है, वो हिरन को मार के खाता है. द डेयर इन द फॉरेस्ट मे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट दे मे ईट अप ऑल द प्लांट्स एंड ए टाइम मे कम वेन द फॉरेस्ट वेनिस एंड द सॉइल गेट eroded and the place becomes a desert. When an organism vanished from a place or from the world, we say that it has become exist. The cheetahs, for example, is no longer found in India. So we say that the cheetahs is exist in India when very fast or very few of a particular kind of organism are left in a place or in the world. We say that it is emerged. The tiger is in dangers in India and in the world. In dangers, organism can be become extinct soon if we do not protect them. यानी हमको इनको protect करना चाहिए. ठीक है, rocks. Rocks are of this basic type, igneous, metamorphic and sedimentary. ये तीन type के rocks होते हैं which are very important for us. We need to understand rocks के बारे में. तो रॉक्स कौन कौन से होते हैं, हैं इग्निशियस, मेटामॉर्फिन एंड सेडिमेंट्री. मेटामॉर्फिन एंड सेडिमेंट्री है ना. इग्निशियस रॉक्स कौन से होते हैं, आर द ओल्डेस्ट रॉक्स, ये सबसे पुराने होते हैं. दे फॉर्म्ड व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द मोल्टेन अर्थ कूल्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो. बहुत सालों लग जाते हैं इनको बनने में. टू इग्नाइट मीन्स टू सेट फायर टू समथिंग. इग्नाइट का मतलब क्या होता है, टू इग्नाइट मीन्स टू सेट फायर टू समथिंग. कोई, मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको, कोई चीज़ हमको करनी है उसके लिए हमारे अंदर आग लग जाए, दैट इज कॉल्ड द इग्नाइट. सो इग्निशियस मीन्स समथिंग कनेक्टेड विथ फायर. तो इग्निशियस का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विथ फायर. इग्निशियस रॉक्स गेट देयर नेम फ्रॉम द वे दे वेयर फॉर्म्ड बाई द हैंडलिंग ऑफ हॉट fairly materials. Some igneous rocks formed later when the lava from volcanoes cooled down. Graphite is an igneous rock we used to building material. देखो ये सब rocks के photographs हैं, और इसमें जो granite है, ये igneous rocks we used to building material. ये आगे आ जाओ. ठीक है, देखो sediment. Many layers of sediment from similarly at the bottom of lake and sea. दे आर फॉर्म्ड बाई द रॉक पार्टिकल्स कैरेड बाई ए रेन वाटर एंड रिवर. दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाई द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल द सेल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दिस सेडिमेंट्स गेट प्रेस टूगेदर एंड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन आर सेडिमेंट्री रॉक. सैंड स्टोन इज यूज फॉर बिल्डिंग वाइल लाइम स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग लाइम. मेटामॉर्फिन्स क्या होते हैं वो देखो, मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म. व्हेन इग्नीशियस आर सेडिमेंट्री रॉक्स गेट बरीड अंडरग्राउंड द समटाइम चेंजेस इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट रॉक्स. दिस हैपन बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड द हीट. प्रेशर एंड द हीट इनसाइड द अर्थ. जमीन के अंदर क्या होता है, बहुत सारा जब प्रेशर होता है और गर्मी पैदा होती है, न्यू रॉक्स फॉर्म फ्रॉम इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिन्स रॉक्स. मार्बल एंड स्लेट आर टू मेटामॉर्फिक रॉक्स यूज फॉर बिल्डिंग. आपने देखा होगा कि मार्बल्स हमारे घरों में यूज़ होता है और स्लेट वो भी यूज़ होता है. तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं और इससे हमारा मकान बनता है. अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में देख लेते हैं. रॉक्स आर मेड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यूजली दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्स अप टुगेदर. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट एनी वन मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम रॉक्स. बट सम रॉक्स हैव ए लॉट ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल और नॉन मेटल. वी कॉल सच रॉक्स ओर्स. माइंस आर डग टू गेट ओर्स. द माइंस कैन बी ओपन पिच
और लॉन्ग टनल्स आफ्टर द ओर्स आर डग आउट दे आर प्यूरिफाइड दिस मीन्स थिंग्स मिक्स विद द मेटल और नॉन मेटल वी वॉन्ट टू सेपरेटेड फ्रॉम ओर डिफरेंट ओर्स आर प्यूरिफाइड इन डिफरेंट वेज बट मोस्ट ऑफ प्रोसेसेस इंक्लूड हीटिंग वेरी स्ट्रांगली आयरन कॉपर टीन एंड एल्यूमिनियम आर सम यूजफुल मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉल्ड प्रीशियस मेटल्स स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन वाइल ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर मेड बाई मिक्सिंग टूगेदर कॉपर एंड अदर मेटल्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एलॉयज मिक्सचर ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एलॉयड ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना चलो आगे सी दीज आर द मेटेरियल्स विच यू नो अभी दिवाली में आपने सब धड़ाके किए होंगे ठीक है सल्फर यूज इन मेडिसिन मैचेज एंड फायर क्रैकर सल्फर यूज किया जाता है फॉस्फोरस सल्फर एंड कार्बन आर थ्री इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स फॉस्फोरस सल्फर एंड कार्बन आर थ्री इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स होते हैं फॉस्फोरस बर्न्स वेरी अर्ली फॉस्फोरस बहुत जल्दी जल जाता है सो इट इज़ यूज टू मेक मैचेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट प्लांट ड्रॉ इट फ्रॉम द सॉइल वी टू नीड फॉस्फोरस फ्रॉम फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स वी गेट इट फ्रॉम मिल्क फिश मीट एग्स एंड पल्सेस देखो देर इज़ ए कन्फ्यूजन इन योर माइंड मे बी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स ड्रॉ इट फ्रॉम द सॉइल प्लांट को मिट्टी से ही मिलता है वी टू न्यू फॉस्फोरस फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स और फॉस्फोरस क्या होता है हमारे दांत और हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं वी गेट इट फ्रॉम मिल्क फिश मीट एग्स एंड पल्सेस दाल से हमको इसे मिलता है सल्फर इज ए येल्लोइश सॉलिड इसका कलर कैसा होता है सल्फर का येल्लोइश होता है हल्का पीला होता है इट यूज टू मेक मेडिसिन फायरवर्क मैचेस एंड डाइज इट इज ऑल्सो यूज टू मेक द लिक्विड इन बैटरीज कूल एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन कूल इज यूज एज ए फ्यूएल ग्रेफाइट यूज टू मेक पेंसिल लीड एंड बैटरीज ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट कम फ्रॉम रॉक्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टू ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल कम फ्रॉम द एयर सॉइल प्लांट्स ड्रॉ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल सो विदाउट सॉइल वी वुड हैव नो फूड मैनी स्मॉल एनिमल्स लाइक वॉर्म्स एंड माइक्रोजमी लिव इन ए सॉइल सॉइल इज मेड अप ऑफ मोस्टली रॉक पार्टिकल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग मैंने आपको बताया था कि हाउ वी आर गेटिंग सॉइल क्या होता है जब बहुत बारिश होती है जब बर्फ मेल्ट होता है दैट टाइम वी आर गेटिंग वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इट इज़ कम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ रिवर्स के भी थ्रू बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स आते हैं यानी पहाड़ों से टूट टूट के आते हैं वो रॉक्स बिकम्स वीक एंड क्रैक बिकॉज ऑफ डेली हीटिंग एंड कूलिंग रोज़ गर्म होने से और रोज़ ठंडा होने से क्या होता है रॉक्स टूटते हैं द रूट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन टू क्रैक इन रॉक्स ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स जैसे कई बार क्या होता है कोई प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं तो उससे भी क्या होता है जो रॉक्स है वो टूट जाते हैं वेन लूजेज पीसेस ऑफ द रॉक्स आर कैरिड एंड ट्रम्बल्ड अबाउट द रेन वाटर मैंने जैसे पहले ही बताया कि बिकॉज ऑफ बारिश जो छोटे 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 पत्थर टूटे हुए होते हैं वो बारिश के पानी में बह बह के दे ब्रिक फर्दर दिस इज हाउ सॉइल फॉर्म फ्रॉम रॉक ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स सॉइल इज केप्ट इन प्लेस बाय द रूट ऑफ प्लांट इट इज इफ सॉइल इज लेफ्ट अनकवर्ड बाय प्लांट इट गेट इरोडेड कैरी अवे अब देखो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं देखो यहाँ पे बस दिख रहा है यहाँ पे मशीन दिख रहा है नेचुरल गैस इज यूज टू ड्राइव व्हीकल ये नेचुरल गैस जो बनता है पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द वाटर फ्यूल कोयल कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द फ्यूल दैट गिव्स अस मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड टू ड्राइव व्हीकल रन फैक्ट्रीज मेक इलेक्ट्रिसिटी कुक फूड एंड सो ऑन दे ऑल कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड कोल इज ए काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इट फॉर्म्स व्हेन प्लांट एंड प्लांट दैट डाइज एंड गॉट बरीड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो यानी जैसे कोई पेड़ है वो जल गया या जब अर्थक्वेक होता है तो बहुत सारी चीज़ जमीन के नीचे चली जाती है और हजारों हजार साल के बाद वो कोल में कन्वर्ट होता है ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दीज प्लांट्स गॉट वरी डीपर एंड डीपर अंडर लेयर्स ऑफ रॉक स्लोली द प्रेशर एंड हीट अंडर द अर्थ चेंज देम इनटू कोल
कोल इज डग आउट फ्रॉम माइंस द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑफन फाउंड टूगेदर अंडर रॉक्स दे वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम सी ऑर्गेनिज्म दैट डाइज एंड गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर एगो द वरीड ओवर ऑर्गेनिज्म स्लोली फॉर्म्ड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हीट अंडर द अर्थ वी डिग डीप होल कॉल्ड ऑयल वेल्स टू पंप आउट पेट्रोलियम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड नेचुरल गैस ऑल्सो ऑफन कम्स आउट फ्रॉम दीज वॉल्स पेट्रोलियम इज अ डार्क स्टिकी लिक्विड आपको बिल्कुल ये समझना है इन द साइंस इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस पेट्रोलियम इज अ डार्क स्टिकी लिक्विड ठीक है आपको कोई भी अपना ओन लैंग्वेज यूज नहीं करना है पेट्रोलियम इज अ डार्क स्टिकी लिक्विड इट इज़ प्योरीफाइड इन फैक्ट्रीज ये फैक्ट्री में प्योरीफाई किया जाता है रिफाइनरीज सम थिंग्स वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम आर पेट्रोल केरोसिन पेट्रोलियम गैस डीजल एंड ग्रीस ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको पेट्रोलियम से मिलती हैं है ना जैसे क्या है केरोसिन है पेट्रोलियम गैस है डीजल है एंड ग्रीस है पेट्रोल एंड डीजल्स आर यूज टू ड्राइव व्हीकल सो इज सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड केरोसिन आर यूज फॉर कुकिंग पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज टू मेक मैनी थिंग्स लाइक वैक्स प्लास्टिक मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक आर थिंग्स यूज टू मेक द स्किन एंड हेयर ब्यूटीफुल देखो यहाँ फोटोग्राफ्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे अर्थ के प्रोडक्शन से बनती है जैसे एयर अब हम आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में एयर एयर सबको पता है दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस ऑल लिविंग बींग्स आर यूज ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड वी यूज ऑक्सीजन टू बर्न फ्यूल वी ऑल्सो यूज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सम ऑफ द अदर गैसेज इन द एयर फॉर मैनी अदर पर्पोजेज नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज टू फिल फूड पैकेजेज इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्स वाटर वी नीड वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग ब्राथिंग ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनी अदर थिंग्स वी कैन ओनली यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स एंड वाटर स्टोर अंडरग्राउंड कॉल ग्राउंड वाटर वी कैनॉट यूज द सॉल्टी वाटर ऑफ द सी बट सीज आर द मेन सोर्स ऑफ रेन विच रिन्यू अदर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर हैविंग 75% पोर्सन ऑफ अर्थ इज वाटर अमॉन्ग दिस वी आर हैविंग सम पोर्सन्स ऑफ रिवर एंड मोर पोर्सन्स ऑफ सी बट सी वाटर आर वेरी सॉल्टी विच आर नॉट वेरी यूजफुल बट दीज आर वेरी यूजफुल तो ये हम लोगों को जो चैप्टर है उसमें आप अच्छे से देख लो रीड करो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट तो प्लीज़ टेल मी सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर हियर ओनली चलो थैंक यू बाय